गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू टैलेंट लेजर इंडिया प्लेटफॉर्म दैट इज ए टू हेल्प यू एट एवरी स्टेज ऑफ योर करियर नाउ इफ यू हैव बीन हेर यू नो मी माई नेम इज़ गोरफ एंड आई एम योर टीचर एंड मिट्टोर इन दिस जर्नी एंड आई हैव बीन टेकिंग पेपर टू फॉर अ वाइल नव एंड इन द प्रीवियस वीडियो है राइट तो आज इसी के बारे में बात करेंगे एक्सटेंड करेंगे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी कैसे करनी है टू प्रिपेयर द फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट स्ट्रैटेजी के बारे में बताया सो इफ़ यू हैवन वॉच दैट वीडियो प्लीज डू गिव इट अ वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है उसी के आगे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं दो दो टॉपिक्स मे डिफर बट द इम्पॉर्टेंस एंड रिलेवेंस इज़ वेरी क्रूशल फॉर यू गाइज टू नो कि हम इस यूनिट को कैसे टैकल करें क्या इंपॉर्टेंट स्टफ है और कुछ बेसिक्स भी कवर करें इन केस यू हैव फॉर गॉटन वॉट द बेसिक्स वर्ड राइट तो उन सब को भी मैंने कवर करा है एवरी थिंग इज डन एंड आज की क्लास में हम एक्सटेंड करेंगे एंड टू बी ऑनेस्ट आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट आई लाइक इफ आई हैव टू मार्क लाइक फाइव स्टार्स लगा सकता हूँ इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों है इतनी इंपॉर्टेंट बिकॉज फोस्टली आपका क्या है हम विल टॉक अबाउट थ्योरीज इंटरनेशनल थ्योरीज ऑफ ट्रेड ठीक है तो थ्योरीज के बारे में हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दो आर वेरी क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर यू जी सी नेट यू जी सी नेट के अलावा और भी बहुत सारे प्रिपरेशन मैनेजमेंट के एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर भी इन थ्योरीज ऑफ ट्रेड पूछी जाती है और ये डेफिनेटली आपका एक ना आता ही आता है थ्योरीज ऑफ ट्रेडेज से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इसके बिना कोई भी मैनेजमेंट का पेपर या कॉमर्स का पेपर या कोई भी एग्जामिनेशन नॉट ओनली यूजीसी ने कभी पूरा ही नहीं हो पाता राइट काफी क्रूशल है थ्योरीज ना इतनी इंपॉर्टेंट है और इन थ्योरीज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है टू पार्ट्स में आई हैव डिवाइडेड जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे तो इन थ्योरीज की इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है पढ़ना बहुत जरूरी है इसीलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि सर ये थ्योरीज uh, क्या हमें पूरा इन डेप्थ पढ़ना है कितना लिमिटेड पढ़ना है या फिर बहुत यू uh, नो you know, बस पढ़ना है कि बस फॉर योर एग्जामिनेशन आई से यू नो यू नोट यू हैव टू नो द क्रक्स पता है आपको मीनिंग पता होना चाहिए ट्रेड्स का अब थ्योरीज में जो आपका मीनिंग है कंटेक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये नहीं पूछा जाता कि ये थ्योरी किसने दी है किसका क्या एग्जाम्पल है वो वाले क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते बहुत ही रेयर चांस होता है कि हु गेव दिस थ्योरी राइट वो वो वाले क्वेश्चन बहुत ही रेयर आते हैं अगर आते हैं तो और बहुत ही स्लाइटेस्ट चांस होता चांस होता है उनका एग्जामिनेशन में पूछे जाने का एग्जामिनेशन में पूछे जाने का किसका चांसेस है चांसेस है ऑफ व्हाट आई एम टेलिंग यू और व्हाट आई विल एक्सप्लेन थ्रू आउट दिस वीडियो जिसमें हम बात करेंगे ट्रेड्स की एक्सप्लेनेशन की जिससे आपको याद हो जाए म केस वहां पे आपको ऑब्वियसली एग्जामिनेशन में मेंशन नहीं होगा कि ये थ्योरी किस पर्टिकुलर पर्सन ने दी है और ये थ्योरी से आप क्या समझ पाते हो और इफ यू हैव टू नेम वन थ्योरी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेट सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कि यहाँ पे इंटरनेशनल थ्योरीज से रिलेटेड कुछ स्टेट स्टेटमेंट दे रखी है ठीक है थ्योरी से रिलेटेड स्टेटमेंट बेस दे रखी है यहाँ पे नेम्स ऑफ थ्योरी पूछा हुआ है यहाँ पे नेम्स का चार ऑप्शन दे रखे हैं कुछ यहाँ पे चार स्टेटमेंट है मैच द फॉलोइंग करना एंड देन यू हैव टू पिक द राइट आंसर सो दिस इज हाउ दे कैन मिक्स अप योर क्वेश्चन अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते राइट सो दिस इज ए हाउ यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली फॉर योर एग्जामिनेशन राइट अब मूव करते हैं हम आज की टॉपिक पे तो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दो पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया था देयर इज़ फर्स्ट वन दैट इज़ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो बहुत पहले फॉलो अप करी जाती थी जिन क्लासिकल इसीलिए बोला जाता है एंड देन देयर इज़ मॉडर्न थ्योरी राइट जो आज के टाइम में काफ़ी रेलेवेंट है और आज भी यूज करी जाती है नॉट दे दैट क्लासिकल इज यूजलेस बट हमें वी हैव टू नो कि वट वर गिवन बिफोर एंड वॉट इज यूज नाउ एंड ओनली देन वी कैन मेक द कंपेरिजन सो दैट इज़ बोथ द थ्योरीज इन स्टैंड अलोन आर वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लासिकल में क्या था एंड मॉडर्न में क्या है बिकॉज वी हैव टू नो फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड एंड हाउ वी मस्ट हैव ग्रोन राइट तो इसीलिए दोनों थ्योरीज की अपनी इम्पोर्टेंस अपनी रेलिवेंस है एंड दैट इज वाई वी हैव टू स्टडी मेजोरिटी ऑफ द थ्योरीज ऑफ क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी इन डेप्थ जिसकी वजह से आपके एग्जामिनेशन में जितने क्वेश्चन हैं मैक्स टू मैक्स हम टैकल कर पाए और आपका पेपर में ये जो टॉपिक है वो मिस ना हो ओके okay? मूव करते हैं स्टार्ट करते हैं विद क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड राइट तो फर्स्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका नाम मे भी आपने सुना है नहीं सुना है तो अब मैं बता देता हूँ फर्स्ट वन क्लासिकल थ्योरी जो है उसका नाम है मर्कन ठीक है मर्कन बोलते हैं मर्क बोलते हैं इसको ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो डोमिनेट करती थी वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस को सदन नहीं सिक्सटींथ एंड एटीन सेंचुरीज की बात हम कर रहे हैं क्लासिकल है तो अभी की नहीं होगी ऑब्वियसली प्रीवियस पीरियड ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं, 16 टू एटीन सेंचुरीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट मोकटेलिजम ठीक है उसके बाद इस थ्योरी का मतलब क्या था अब एक नेशन की वेल्थ और पावर कैसे आती है वहां पे जितने उनके पास गोल्ड एंड सिल्वर की असेंबली है सिंपली वन नेशन हैज कंसिडर टू बी पावरफुल नेशन इन वर्ल्ड दे मस्ट सिल्वर इन कंपैरिजन टू अदर नेशंस मोर राइट right? तो कहने का मतलब ये है कि जिस कंट्री के पास सबसे ज्यादा गोल्ड और सिल्वर होगा यू नो दिज वर कॉल्डस बुलगन्स और मेटल्स बोला जाता है बेसिकली इनको तो इन मेटल्स को यूज अगर आपके पास ज्यादा है पर्टिकुलरली गोल्ड एंड सिल्वर देन डेफिनेटलीर द स्ट्रांगेस्ट एंड पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड राइट तो फेवरेबल ट्रेड बैलेंस कैसे है? हमेशा जब भी ट्रेड करा जाता था, था तो वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो पावरफुल नेशन होते थे वेल्थ कैसे आती है एक्सचेंज जो होता था वो हमेशा गोल्ड एंड सिल्वर से होता था अब मर्कटेलिस्ट क्या सोचते थे वो हमेशा ये सोचते थे एनेबल करना कोलोनलिज्म को जब कोलोनाइजेशन हुआ हमारी कंट्री भी कोलोनाइज हुई थी एज वी ऑनलो ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाइड इंडिया फॉर अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड ईयरस तो एक्विजिशन होती है नई मार्केट की फॉर डोमेस्टिक गुड्स कॉलोनीज वर सीन एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ कैप्टिव मार्केट फॉर फिनिश गुड तो होता क्या था बेसिकली सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है अब लोगों को आई गेस नॉट मेनी ऑफ यू विल बी नोइंग अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कि ये भी एक कंपनी है तो कंपनीज भी रजिस्टर्ड होती है राइट right? तो हमें जैसे कंपनीज एक्ट के बारे में हम सब ने पढ़ा होगा बिकॉज यू यू ऑल आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और हमें पता भी है सो कंपनीज एक्ट हमें नाइनटीन फिफ्टी सिक्स पढ़ा होगा किसी ने ट्वेंटी थर्टीन पढ़ा होगा पता सबको होगा तो ये हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी ये भी रजिस्टर्ड होती है किसके अंडर होती है ये चार्टेड एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती है चार्टेड एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर करी जाती है और इन्हें रजिस्टर कौन कराता है किंग एंड क्वीन ओनली जो हमारे अगर बात करें तो उस टाइम में ब्रिटिश किंग्स एंड क्वीन की अगर हम बात करें तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे चार्टर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग एक कंपनी को एस्टैब्लिश कर सकती थी राइट तो कंपनीज एक्ट भी ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ कंपनीज एक्ट से ही बन सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा एक एग्जांपल है जो चार्टर्ड एक्ट के थ्रू बना और इन्हें किंग और क्वीन ने ही बनाया है तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था मेरे को लगा कि आपको बता देना चाहिए आई गेस बहुत ही कम लोगों को पता होगा तो अब क्या होता था कॉलिनीज को हमेशा एक सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल देखा जाता था आपको पता होगा इंडिया में से बहुत सारा रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करा गया यूटिलाइज करे गए और इंडिया एज अ मार्केट ऑफ फिनिश गुड्स भी देखी गई थी uh, होता क्या था कि इंडिया में बहुत अच्छे आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स बनते थे बट आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स जो अच्छे बनते थे uh, वो हैंडमेड होते थे तो वहाँ पे उनकी डिमांड भी थी एक्सपेंसिव थी तो ये इंडिया से बहुत चीप कर चीपर कॉस्ट पे ब्रिटिशर्स ले लेते थे, थे बिकॉज वर रूलिंग द स्टेट राइट तो वो चीपर कॉस्ट पे ले लेते थे, थे और वो बाहर दूसरी मार्केट्स में बहुत एक्सपेंसिव रेट्स पे बेचते थे और दूसरा क्या करते थे इंडियन मार्केट्स में अपने जो बिकॉज इंडस्ट्रियल डन इन ब्रिटेन दैट टाइम तो इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन की जैसे उनके पास प्रोडक्ट्स बन चुके थे जो हैंडमेड नहीं थे मशीन से प्रोडक्ट्स बनते थे तो वो सारे प्रोडक्ट्स जो वर एट अ चीपर कॉस्ट जो बिकॉज मशीनरी प्रोडक्ट्स काफी सस्ते बन सकते हैं बिकॉज यू हैव मोर मशीन एफिशियंट होता है काफी टाइम वर्क कर सकती है एक इंसान इतना नहीं कर सकता तो वही उन्होंने वही प्रोडक्ट्स जो लेके आके इंडिया में सेल करे हैं एट अ हाइयर प्राइस तो इंडिया दो, दोनों दोनों जगह से लॉस पे था हमारे जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स है उनके प्राइजेस हमें बहुत कम मिलते थे दूसरा ब्रिटेन जो है अपने मशीन से मशीन मेड गुड्स इंडिया में एक्सपेंसिव बेचता था दो उनको वो चीपर पड़ते थे राइट अब इसको बैक कौन करता था गवर्नमेंट इनके इंटरवेंशन को कंट्रोल करना इकोनॉमी को टू इंश्योर अ पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस अब इंडिया से डेफिनेटली इंग्लैंड ब्रिटेन का पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस ही था देर वॉज नो अदर ऑप्शन उनके पास उन्हें पता था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आराम से बिकॉज दे वर रूलिंग राइट इफ नॉट द होल कंट्री बट मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स कुछ स्टेट्स बाद में आई कुछ स्टेट्स कभी नहीं आई बट स्टिल राइट इफ यू नो द हिस्ट्री एवरी वन नोज हाउ टफ दैट पीरियड वॉज बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट

अब इसके जैसे कुछ पॉलिसीज के बारे में बोला है कि टैरिफ्स और सब्सिडीज जो है लगा दे सब्सिडीज क्या है कि सब्सिडीज प्रोवाइड करी जाएंगी अगर कोई भी ब्रिटेन uh, प्रोडक्ट जो है मिलेगा यहाँ पे इंडिया में सो so, वो चीजें भी सब्सिडीज प्रोवाइड करी जाती थी अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को प्राइस बेयर करना पड़ता था जो इंडियन मार्केट में थी ठीक है एक्सपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड वॉज प्रमोटेड बाई द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स वॉज लिमिटेड दिस इज ऑल्सो ट्रू जब हमारे यहाँ के जो गुड्स थे उनको महाबार प्रमोट करा जाता था कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं दीज आर वेटी एक्सपेंसिव एंड दीज आर मेड फ्रॉम इंडिया राइट सो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन होता था और मर्केंटलिज्म वो ट्रेड थ्योरी है जिसमें पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस के बारे में बात करी गई एंड ये होता कैसे था सिंपल सी बात है हमारे कोलोनाइजेशन की वजह से और ये वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस ही कर पाए थे एंड वी नो हिस्टोरिकली थ्रू आउट द फैक्ट दैट दिस वाज डन और क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है इसका इंटरनेशनल ट्रेड वो सीन है जीरो सम गेम वेयर वन नेशन गेम अनदर लॉस अब इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनता है मोर्कन को कि किस और नाम से जाना जाता है जीरो सम गेम ठीक है तो दो एक चीज एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बता दी मोर्कन टिज्म नोन एज जीरो सम गेम अब ये क्योंकि एक कंट्री का बेनिफिट ही दूसरी कंट्री का नुकसान होना ही होना है इसमें जीरो सम गेम विफ वन कंट्री इज गेटिंग बेनिफिट द अदर कंट्री विल बी एट लॉस तो ये जो होता है हमेशा होता ही था एक कंट्री का गेन है तो दूसरे का लॉस होगा ट्रेड वॉज बेसिकली व्यूड एज अ वेपन टू अपटेन मोर गोल्ड जो इंडियन के हमारे ट्रेड इंक्रीज हुए जो सारा का सारा रेवेन्यू जो था वो ब्रिटिशर्स के पास जाता था और उनको ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मिल पाता था सो दैट वॉज होल थिंग दिस वॉज होल होल थिंग अबाउट मर्कटेलिज्म आई डोंट थिंक सो आई हैव टू एक्सप्लेन इन एनी मोर डेप्थ आपको बस एक ये क्वेश्चन वाइज के लिए याद रखना है कि मर्कटेलिज्म को क्या नाम से बोलाया जाता है जीरो सम गेम इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन अम गेम क्यूं बिकॉज एक नेशन का पॉजिटिव ट्रेड विल बी समर नेशन नेगेटिव ट्रेड तो उसको बैलेंस आउट कर देता था, था और इनका मोर मेजर जो प्रस्पेक्टिव था टू अर्न मोर गोल्ड ज्यादा से ज्यादा गोल्ड अर्न करना सो दैट इज वाई मोक टलिज्म पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस और ये कैसे करते थे कोलोनाइजेशन की वजह से करते थे सो दीज आर द्यू पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेम्बर फॉर योर एग्जामिनेशन इफ दे आस्क यू क्वेश्चन अप ऑन एक्स एक्सप्लेनेशन बेसिस राइट ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए आपको एग्जामिनेशन में कम क्वेश्चन आता है जीरोस हम गेम पे आए हुए हैं पहले भी आए हुए हैं इसलिए मैंने इस पर थोड़ा इंफोसाइज कर दिया ठीक है थीके? अब बात करते सेकेंड इंपॉर्टेंट थ्योरी हेक्सर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड तो ये एक फैक्टर प्रपोशन थ्योरी है हेक्सर रोलन थ्योरी भी काफी इंपॉर्टेंट है काफी बार आती है और ऐसे है जैसे मैंने कहा कि फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी आपको एक स्टेटमेंट में दे रखा होगा और यहाँ पे यू हैव टू पिक द राइट थ्योरी कॉरस्पोंडिंग दैट स्टेटमेंट ठीक है द फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ऑल्सो नोन एज एजन थ्योरी तो इसका दूसरा नाम ही फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी है वो स्टेट करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न आर डिटरमाइंड बाय रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्शन इन डिफरेंट कंट्रीज तो क्या है इसका मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूँ लेट सपोज हम अगर इंडिया का एग्जाम्पल है तो इंडिया इज अ लेबर इंटेंसिव कंट्री दैट वी ऑल नो राइट वी हैव अबंडेंस ऑफ लेबर ओवर पॉपुलेशन राइट तो हमारे पास लेबर इंटेंसिव कंट्री है वहीं अगर हम बात करते हैं यूएसए की तो यूएसए इज नॉट लेबर इंटेंसिव विध दैट इज कैपिटल इंटेंसिव कंट्री राइट तो यहाँ पे आपको मशीनरी मशीनरी बेस्ड गुड्स ज्यादा मिलेंगे मशीनरी ज्यादा दिखेगी लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन नहीं होती इतनी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होती है कि ज्यादा मशीन काम कर रही है देर मशीन आर मोर इन नंबर्स राइट तो अब होता क्या है इसमें तो इसका मतलब ये है कि अगर थोड़ा आप आगे पढ़ते हैं कि इट इज ऑल्सो कोल्ड एस फैक्टर एंडमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये नाम ना आपको जरूरी याद करने ही करने हैं ठीक है इनके बिना पॉसिबिलिटी नहीं है नाम को ना मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ ये नाम जो है आपको याद ही करने, -करने है फैक्टर एंड डाउरमेंट थ्योरी दीज आर ए वेरी क्रूसियल फॉर एन इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम इनशन बट लर्निंग वाइज मैं भी बताता हूँ कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रनोरशिप दीज आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज यू मस्ट हैव रेड इन योर इकोनॉमिक्स इको में हमने बहुत बार पढ़ा है कि कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं एक नेशन के पास किसी का अबंडेंस होगा एक नेशन के पास किसी और का अबंडेंस होगा किसी के पास लैंड होगा किसी के पास लेबर होगा किसी के पास कैपिटल होगा किसी के पास मिक्स हो सकता है अब इस थ्योरी का मतलब क्या है ये कहता है कि हमें एक्सपोर्ट करने चाहिए गुड्स जिसका हम यूज़ कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसका हमारे पास ज़्यादा अबंडेंस है ठीक है अगर हम बात करें अ नेबर इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है लेबर नेशन विल एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड इम्पोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स दैट रिक्वायर मोर कैपिटल पर वर्कर अगर हम बात करें इंडिया राइट तो हमारा सर्विस सेक्टर हमारा बी पी ओ आपको पता होगा तो ये क्या है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग तो इसके लिए आपको ज्यादा लोगों की जरूरत होती है कस्टमर से कस्टमर एग्जीक्यूटिव अगर आपको पता होगा काफी सारे जो कॉल सेंटर्स है वाई आर देर इन वाई आर देर इन दस्ट प्लेस तो ये है यू इंडिया में बिकॉज एक तो इंडिया में देर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु वांटेड अ जॉब तो पहले की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यूएसए में देर आर सो मैनी कंपनीज जो वहाँ पे इतने लोगों को हायर नहीं कर पाती जो कस्टमर केयर उनका ध्यान दे पाए तो कस्टमर केयर पे इंडियंस को हायर करा गया कॉल सेंटर जॉब्स पे तो वहां पर उनको हायर करके उनको ट्रेन करा गया एंड डेफिनेटली बिकॉज मेजोरिटी ऑफ इंडियन स्पीक इंग्लिश तो वहाँ पे उनको उसका फ़ायदा हो गया दैट दे गोट चीप लेबर यू एस ए कंपनीज एंड इंडियंस गाउट जॉब तो ये क्या है, हम क्या कर सकते हैं हम अपने गुड्स बना सकते हैं जिसमें हमारे पास ज़्यादा लोग लोगों जैसे हमारे पास अबंडेंस ऑफ लेबर है तो हम लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाएं वहीं पे अगर हम बात करें यूएसए जैसी कंट्री जो कैपिटल गुड्स है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है वो हमारे लिए महंगा होगा बिकॉज वी वी डोंट हैव दैट रिसोर्सेज तो हमें ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा तो रादर देन ड मोर वी कैन इम्पोर्ट दैट प्रोडक्ट तो बेसिकली यही पर्पज है एक्सर रोल इन थ्योरी का इसको याद रखने के लिए हमेशा याद रखना है इसको फैक्टर एंड थ्योरी भी बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर वेस्ट है आप इजिली समझ जाओगे जिस भी फैक्टर का आपके पास अबंडेंस होगा आप वही गुड्स बनाओ और जिस भी फैक्टर की आपके पास कमी है उसको आप इम्पोर्ट करा लो बिकॉज एल्स अगर आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर दो बिकॉज लेट सपोज अगर आप लेबर से कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाने लगते हो फर्स्टली यू डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज आपको बहुत रिसोर्सेज पुट करके कुछ थोड़ा सा आउटपुट मिलेगा और वो सफिशियंट नहीं होगा उतना कॉस्ट लगाने से बेटर वॉट कुड हैव बीन डन आप इंपोर्ट करा लेते दैट वुड हैव बीन अ बेटर थिंग तो हेक्सियर होल इन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज द सेकेंड क्लासिकल थ्योरी आई होप एवरी वन टेन नाउ गॉट दिस वन ओके अब मूव करते हैं थर्ड वन थर्ड इंपॉर्टेंट थ्योरी आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है इसको हम बोलते हैं कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ठीक है अब इसको दिया किसने था सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केस इफ यू फोगेट और इफ यू डोंट पे अटेंशन कि ये लिखा क्या प्रोपाउंड किसने करा सिंपल सी बात है दिया किसने डेविड रिकार्डियो ठीक है डेविड रिकार्डो ने इसको दिया है आपका कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी आई हाईलाइट दिस थिंग ओके तो डेविड रिकार्डो ने आपकी कंपेरिटिव एडवांटेज जो है उसके बारे में एक थ्योरी दी है अब इसको क्या किस और नाम से जाना जाता है तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग कि रिकार्डियन थ्योरी अगर आपको याद है डेविड रिकार्डो ने दिया तो आप रिकार्डियन थ्योरी गेस कर सकते हो कि किसने दी होगी सिंपल सी बात है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो इन्होंने कंपेरेटिव कॉस्ट ऑफ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दी है द तो Of comparative advantage, उसको दिया है किसने, बट याद करना जरूरी है बिकॉज आपके एग्जामिनेशन में मैंने बताया कि क्वेश्चन कम आते हैं बट इन केस अगर आ गया तो दैट दैट टाइम यू है दिया है तो आई डोन्ट वॉन्ट यू टू लूज इन एनी केस मैं ये नहीं चाहता लूज करो किसी भी स्टेज पे तो वो चीज़ के लिए आपको फुल प्रूफ लेके चल रहा हूँ आप मीनिंग समझो कंटेक्ट समझो एंड मोस्ट आप आपके साथ साथ नाम भी याद कर लो कि ऐसा डेविड रिकार्डो ने ही दी है डेफिनेटली और रिकार्डियन थ्योरी इसको हम बोलते हैं कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी सो आई होप यहाँ तक सब क्लियर हो अब इसमें बोला क्या है इट स्टेट दैट अ नेशन शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग एंड एक्सपोर्टिंग द गुड्स फॉर विच इट हैज अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन इट्स ट्रेडिंग पार्टनर इवन इफ इट हैज एन एब्सिल्यूट पेनल्टी ठीक है तो थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कम्पेरेटिव एडवांटेज तो इसका एक और पार्ट इसका एक और भाई है जो एक्चुअली दैट इज एप्सल्यूट एडवांटेज थ्योरी अगर आई डेस आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा अपने ग्रेजुएशन लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में कभी ना कभी थ्योरीज इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज पढ़ी ही पड़ी राइट तो दो थ्योरीज हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं कम्पेरेटिव एडवांटेज एंड एक है एबसेल्यूट एडवाटेज दोनों को दोनों को एक साथ ही पढ़ा जाता है अगर सबसे पहला है कि आप एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को समझो मैं मैं फिर आगे भी बताता हूँ फिर उसके बाद हम कंपैरेटिव एडवांटेज पे आते हैं तो दो नेशन का एग्जांपल लेते हैं एक जैसे हम ले लेते हैं इंडोनेशिया इंडोनेशिया का एग्जांपल ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे चाइना का एग्जाम्पल ले लेता हूँ ठीक है तो चाइना अगर अपना रिसोर्सेज यू, यूटिलाइज करे तो वो क्या बना सकता है वो बना सकता है ट्वेंटी वाइन या फिर ट्वेंटी के राइस है मैंने ऐसे ही ले लिया ठीक है ये इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ ट्वेंटी के जी वीट ठीक है ट्वेंटी के जी वीट या ट्वेंटी के जी राइस अगर वो सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज करता है तो और फिर वहीं अगर मैं बात करूं कि इंडोनेशिया क्या कितना बना सकता है तो सिक्स के जी वीट बना सकता है अगर हम बात करें इंडोनेशिया की और फिर अगर हम बात करें वहां पर राइस तो राइस इंडोनेशिया जो है बना सकते है, दस किलो राइस ठीक है यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देखो अगर हम एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करें राइट right, अभी मैं आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज भी बता रहा हूँ साथ साथ जो अभी आगे भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे डिस्कस करेंगे होता क्या है तो अगर मैं एब्सोल्यूट एडवांटेज की बोलूँ तो एब्सोल्यूट एडवांटेज अगर हम यहाँ देखें तो चाइना हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग एनी ऑफ द थिंग अगर वो वीट बनाता है तो उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है बिकॉज इंडोनेशिया नेजियर वॉट दे कैन प्रोड्यूस ओनली सिक्स किलो वीट विद दैट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो उनके पास है वहीं जो चाइना है दैट कैन प्रोड्यूस ट्वेंटी किलो वीट्स और चाइना ट्वेंटी किलो राइस भी बना रहा है और इंडोनेशिया दस किलो राइस बना पाता है अपने सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर लेता है तो चाइना चाइना हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर इंडोनेशिया बट थिंग इज कैन प्रोड्यूस ओनली वन थिंग राइट वो ये नहीं कि चाइना दस किलो वीट बनाएगा दस किलो राइस बनाएगा तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस वहां एक अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगी तो इस केस में हम कंपैरेटिव एडवांटेज बनाते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी यहाँ पे क्या है और चाइनाटिव एडवाटेज बेसिकली प्रोड्यूसिंग ट्वेंटी के जी वीट्स राइट अगर वो ट्वेंटी के जी वीट्स बनाते हैं तो इंडोनेशिया टेन के जी राइस बना सकता है राइट सो देर देर इज अ कंपेरेटिव एडवांटेज ठीक है अब लोगों को काफी कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर यहाँ पे ट्वेंटी के जी वीट है तो ट्वेंटी के जी राइस क्यों नहीं बना लेता देखो, देखो चाइना के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज फाइनाइट ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज इनफाइनाइट है ओके तो रिसोर्सेज जब लिमिटेड है रिसोर्सेज जब फाइनाइट है तो चाइना भी रिसोर्सेज एक ही जगह लगा सकता है तो चाइना क्या करे कि अपने रिसोर्सेज कहाँ लगा दे वीट पे लगा दे क्योंकि वीट जो है इंडोनेशिया और नहीं बना सकता वो सिर्फ छः के बना सकता है तो बेटर क्या है कि चाइना बीस के जी वीट बना ले ठीक है और वो क्या करे राइस ना बनाए राइस इंपोर्ट करा ले इंडोनेशिया से बिकॉज इंडोनेशिया अगर क्या बेटर बना सकता है हमारा कंपेरेटिवली कॉस्टर जो है राइस को ठीक है it states that a nation should focus on creating and exporting the goods for which it has a lower opportunity cost jahan pe uske paas lower opportunity cost hogi to wo then its trading partner even if it has an absolute penalty absolute penalty ka jaise maine aapko example bataya ki absolute cost mein definitely china has an upper hand wo dono mein better hand ho asia se बट बिकॉज हम बात कर रहे हैं opportunity cost की इनके लिए better है कि वो wheat बनाएं और वो टेन टेन kg rice राइस वहां से इंपोर्ट करा लें अ नेशन एज अ कम्पेरेटिव एडवांटेज इन मेकिंग अ गुड इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग दैट गुड इज लोअर फॉर दैट नेशन देन फॉर इट्स ट्रेडिंग पार्टनर अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडोनेशिया के लिए बेटर क्या होगा कि वो राइस प्रोड्यूस करें अल अगर वो सिक्स के जी वीट प्रोड्यूस करेंगे तो दैट इज बेसिकली वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज उनके रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइज कहाँ पे होंगे अगर वो राइस पे अपने यूटिलाइज करें ठीक है ये एक एग्जाम्पल दे रखा है मैं अभी आगे बताता हूँ टिव के साथ साथ आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी हमने दे रखा है उसके साथ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का मतलब क्या है गुड्स विद एन एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज ओवर अदर नेशन हमने जैसे लास्ट एग्जाम्पल में देखा कि उनके लिए बेटर क्या है कि वो पूरा का पूरा ट और राइस ट्वेंटी केजेस बना सकते हैं तो दे हैव एक्सपर्टीज इन बोथ ठीक है वो उनके पास एप्सोलूट एडवांटेज है मतलब इंडोनेशिया से वो दोनों केसेज में बेटर है अ नेशन हैस्ट रीच टू अदर नेशन हाँ डेफिनेटली उनको फॉर गो नहीं करना पड़ेगा ज्यादा कंपेयर टू हमारे पिछले एग्जाम्पल में इंडोनेशिया से ठीक है कम फॉर गो करके वो ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं

वन लेबर आर लेते हैं वो क्या बना सकता है टेन बॉटल्स ऑफ वाइन या फिर फाइव पीसेस ऑफ क्लोथ तो मैंने फाइव क्लोथ ले लिए फाइव पीसेस ऑफ क्लोज की बात है वाई फ्रांस हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज अब फ्रांस की बात करते हैं ये है पोर्टर पी आर लिख दिया है मैंने फिर वहीं पर बात करते हैं वन लेबर आर इन फ्रांस फ्रांस में अगर एक लेबर आ रहा है तो वो क्या बना सकता है तो वो बना सकता है ट्वेंटी बॉटल ऑफ वाइन्स या फिर ट्वेंटी पीसेज ऑफ क्लोथ ठीक है फ्रांस में एक लेबर आर में कितना प्रोडक्शन हो सकता है ट्वेंटी बॉटल ऑफ वाइन या ट्वेंटी पीसेज ऑफ क्लोथ ठीक है वाई फ्रांस हैज एन एप्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड क्लोथ अगर हम यहीं पे बात करें वाइन और क्लोथ में फ्रांस के पास एब्सलूट एडवांटेज है जिसके बारे में तब से मैं आपको बता रहा था कि एडवांटेज का जो केस है वो हमने जैसे पीछे किसके एग्जाम्पल में इंडोनेशिया चाइना के एग्जाम्पल में भी वही चीज सीखी यहाँ पे भी हम सेम बात कर रहे हैं ये मैं ज्यादा एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों को काफी ज्यादा डाउट होता है किस में कंपेरेटिव एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज में सो आई वॉन्ट यू गाइज टू बी क्लैरिटी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है ठीक है तो एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है कि हम 20 बॉटल ऑफ वाइन बना सकते हैं 20 पीस ऑफ क्लोथ बना सकते हैं इन वन लेबर आर ऑफ फ्रांस तो फ्रांस बेटर है उसके पास बेटर क्या है आ, अपनी रिसोर्सेस को यूटिलाइजेशन का करने का ऑप्शन है तो इसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है पोर्टर ईको हैज हमारे अगर हम बात करें पोर्टर ईको हैज द कंपेरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग वाइन This is because if Puerto Rico allocates more of its resources towards wine production and less of less of its resources towards cloth product, it has a lower opportunity cost than France. तो अगर इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर हम एक labour hour जो है यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है? हम इन दोनों में comparison करें, अगर एक labour hour क्या करता है? एक labour hour कितना हमारा दस बॉटल ऑफ वाइन बना रहे हैं तो यहाँ पे टू रेशियो वन है कि अगर एक लेबर आ रहा है पोर्टर ईगो में दो जो है हमारा बेनिफिट हो रहा है कंपेयर टू क्लोज के अकॉर्डिंग ठीक है तो एक लेबर आर में आप पांच क्लोज बना पा रहे हो और वहीं पे अगर हम बात करें बॉटल ऑफ वाइन तो बेटर क्या है अगर आप ये जो वन लेबर आ है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे आपकी वेस्ट हो रही है अगर यहाँ पे आप एक लेबर आ में पांच क्लोज बना रहे हो तो वॉट यू आर मिसिंग और टेन ऑफ बॉटल ऑफ वाइन्स बिकॉज आप वो बना सकते थे एक घंटे में वो आपकी कंट्री कैपेसिटी है ठीक है अब पोर्टर इको के पास यही ऑप्शन है कि वो अपना एलोकेट कहाँ करे एलोकेट किस में करे बॉटल ऑफ वाइन बिकॉज वो ज्यादा एफिशियंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं बट वही बात करता हूँ फ्रांस की तो फ्रांस के पास क्या है वो तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है बट उसको ऑप्शन चूज करना चाहिए ऑफ ट्वेंटी पीस ऑफ क्लोज बिकॉज वन लेबर आर में बेटर क्या है बिकॉज इनका रेशियो देखा जाएगा तो वन इज टू वन है ठीक है तो लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कहाँ पर है यहाँ पर है ना तो लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अगर हम देखें तो बेटर ये है दिस इज बिकॉज द पोर्टरी को एलोकेट्स मोर ऑफ इट्स टूवर्स वाइन प्रोडक्शन एंड लेस ऑफ इट्स रिसोर्सेज टूवर्स क्लोथ प्रोडक्ट इट इज अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैन फ्रांस बिकॉज यहाँ पे तो अगर आप एक बॉटल ऑफ वाइन मिस कर दोगे तो आपको एक uh, लेट सपोज यहाँ पे हम आधा आधा घंटा डिवाइड कर रहे थे तो आप टेन बॉटल ऑफ वाइन टेन पीस ऑफ क्लोज बना सकते हो मतलब कि आप अगर एक लेबर में से अगर हम एक बॉटल ऑफ वाइन निकाल देते तो आपका एक पीस ऑफ क्लोज बढ़ सकता है ठीक है मतलब इसको अगर मैं नाइनटीन कर दूँ तो इसे ये ये मतलब वन इज टू वन का रेशियो चल रहा है अगर मैं इसमें एलोकेट करता हूँ तो वन बना सकता हूँ इसमें एलोकेट करता हूँ तो वन बना सकता हूँ बट मैं वही यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर मैं इसमें वन वन लेबर आर में अगर मैं इसमें देखू तो मेरे को यहाँ पे टू का बेनिफिट हो रहा है तो ज्यादा फायदा है कि ये बॉटल ऑफ वाइन जो है प्रोड्यूस कौन करे पोर्टरी को राधर देन फ्रांस बिकॉज यहाँ पे आपकी एक अगर आपने कुछ भी अपना इसमें से भी अपना थोड़ा भी टाइम बॉटल ऑफ वाइन की जगह इसमें लगाया तो आपकी उतनी ही बॉटल ऑफ वाइन चले जाएंगी ठीक है जैसे अगर हम बात करें फ्रांस का थोड़ा और समझा देता हूँ वन लेबर आर की जगह थर्टी मिनट्स कर देता हूँ ठीक है थर्टी मिनट्स लेबर आर कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना बनेगा टेन बॉटल ऑफ वाइन ऑफ टेन पीस ऑफ क्लोथ इन दोनों में से कुछ एक बनेगा दोनों तो बन नहीं सकता ठीक है तो यहाँ पे क्या है आपके अपॉर्चुनिटी लॉस जो है वो एक का है कि अब दस जो है दस में से एक एक या तो इसको मिस कर सकते हो तो एक इसका गेन हो जाएगा एक इसको मिस कर सकते हो तो इसका गेन हो जाएगा तो, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली योर बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव अगर किसी को याद नहीं है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है योर बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव तो हमारा जो भी बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव है उसको चूज करना तो यहां पे क्या है आपका बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव आपके बराबर ही है बट यहां पे अगर हम बात करें इसका बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव इससे बेटर है तो राधर देन दिस राधर देन यू नो यू प्रोड्यूसिंग what you producing piece of clothes? it's better you produce bottle of wine in puerto rico so better kya hai comparative advantage ke hisab se hamara puerto rico mein kya banana bottle of wine aur yahan pe one labor hour mein hame kya banana hai piece of clothes because piece of clothes mein aapki opportunity cost तो दोनों में यहाँ पे same है but यहाँ पे better है यहाँ पे better फायदा मिलेगा तो यहाँ पे ज्यादा invest करने के resources हमारा एक कंपेरेटिव एडवांटेज आता है ठीक है एब्सोल्यूट एडवांटेज आप समझ गए होंगे कि फ्रांस के पास ही एब्सोल्यूट एडवांटेज है मैंने पिछले केस में भी यही आपको समझाया कि फ्रांस के सॉरी जिसमें इंडोनेशिया और चाइना में चाइना के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज एडवांटेज था बट अगर हम कंपेरेटिव एडवांटेज की बात करें तो कंपेरेटिव एडवांटेज उसके पास होगा जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम पड़ेगी तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर आपको एक बॉटल ऑफ वाइन मिस करनी तो आप एक क्या बना सकते हो पीस ऑफ क्लॉथ बट अगर यहाँ पे आपने आपको दो बॉटल ऑफ वाइन मिस करनी पड़ेगी तब जाके आप क्या बना पाओगे एक पीस ऑफ क्लॉथ ठीक है इससे समझ गए कि मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं इफ इन फ्रांस इफ इन फ्रांस यू एलोकेट योर वन रिसोर्स जैसे लेबर आ रहा है वन रिसोर्स यू मिस वन रिसोर्स मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा तो आप समझ लेना इफ इन फ्रांस यू एलोकेट योर वन रिसोर्स ऑन यू नो वन बॉटल ऑफ इफ यू मिस ऑन वन बॉटल ऑफ वाइन इफ यू एलोकेट योर वन रिसोर्स ऑन बॉटल ऑफ वाइन यू मिस वन पीस ऑफ क्लोज ठीक है तो दोनों बराबर अगर आप एक बॉटल ऑफ वाइन में यू मिस वन पीस ऑफ क्लोज बट अगर हम वही बात करते हैं इफ यू एलोकेट वन रिसोर्स किस में वन रिसोर्स इन पोर्टर ही को इन पीस ऑफ क्लोज पीओ सी लिख रहा हूं यू मिस ऑन टू बॉटल ऑफ वाइन ठीक है तो अब इससे आपको पता लग जाएगा कि क्या नुकसान है क्या फायदा है अगर आप एक रिसोर्सेस जो है अपना किसमें यूटिलाइज कर रहे हो पोर्टर इको में किसमें पीस ऑफ क्लोथ में तो आप दो बॉटल ऑफ वाइन में मिस कर रहे हो बट अगर आप यहाँ पे एक जो है अपना पीस ऑफ क्लोथ जो है किसमें लगा रहे हो फ्रांस में राइट एक रिसोर्स पीस ऑफ क्लोज में लगा रहे हो तो आप कितना मिस कर रहे हो एक बॉटल ऑफ वाइन तो ठीक है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ पे ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है उससे अकॉर्डिंग आपको कंपैरेटिव एडवांटेज निकाल के देना होता है और उससे आपको थ्योरी समझनी है कंपैरेटिव एडवांटेज में दूसरी याद चीज़ इंपॉर्टेंट जो है याद रखनी है किसने दिया है डेविड रिकार्डियो ने उसको रिकार्डियन थ्योरी भी बोला जाता है ठीक है इफ़ यू डिड लाइक माई वीडियो आप अगर इन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूर यूजीसी नेट एक्जामिनेशन यू डेफिनेटली हैव टू प्रिपेयर फॉर यू जी सी नेट पेपर वन इज वेल राइट तो अगर आपको पेपर वन से रिलेटेड कोई भी क्वरी है मेरी सारी प्ले लिस्ट में वीडियोज पड़ी है यू कैन डेफिनेटली चेक दउ आपकी प्रिपेरेशन में डेफिनेटली हेल्प करेगा दूसरी बात आपको ई e बुक मिल सकती है इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी फ्रॉम स्क्रैच ई बुक ऑन ऑल द एसेंशियल यूनिट्स पेपर वन की जितनी टेन यूनिट है सारी की सारी आपको ई e बुक में मिल जाएगी करना क्या आपको व्हाट्सएप करना है ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर नाइन एट सेवन थ्री नाइन जीरो सेवन सिक्स डबल जीरो व्हाट्सअप करना है एंड यू कैन गेट ईच एंड एवरी यूनिट फॉर फ्री कुछ भी पैसे नहीं लगेंगे सारे दस के दस यूनिट यू कैन गेट इट फॉर फ्री तो दीज आर फ्री एंड ऑफ नो चार्जेस तो बेसिकली वॉट यू हैव टू डू इज बेसिकली टेक्स्ट ऑन दिस नंबर एंड यू कैन क्लेम ऑल द टेन यूनिट्स ई बुक ई बुक है फ्री है अब इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है विद एग्जांपल्स विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एवरीथिंग इज देयर सो यू डोंट हैव टू गो एनी वेर एल्स टू स्टार्ट योर पेपर वन स्ट्रैटेजी और सॉरी प्रिपरेशन एंड दूसरी बात अगर आपने स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन जो सो डेफिनेटली यू डू चेक आउट माय वीडियोस ऑन यूट्यूब चैनल सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब करना चैनल को सो इफ आई कम अप विद अ न्यू वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर यूनिट यू गेट नोटिफाइड फॉर द सेम एंड शेयर दिस वीडियो नॉट ओनली विथ योर यूजीसी ने बट विथ अदर मैनेजमेंट एग्जाम एसपेरेंट्स बिकॉज मैंने जैसे बताया ये सारी की सारी थ्योरीज आती ही आती है नॉट ओनली इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कॉमर्स मैनेजमेंट इन एवरी अदर एग्जामिनेशन जहां पर मैनेजमेंट का सिलेबस है सो तो उसकी वजह से इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाती है सो तो इसकी वजह से आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो राइट तो दूसरी बात है अगर आपने हमारी टैलेंट बेसर की एप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करी वहाँ से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में गेवन ठीक है तो उसमें क्या है फर्स्ट थिंग इज बेनिफिट आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे मॉक टेस्ट फॉर पेपर वन एंड पेपर टू बोथ आर अवेलेबल फॉर फ्री सो यू कैन डाउनलोड द ऐप कोई चार्जेस नहीं है तो डाउनलोड करो डाउनलोड करके यू नो गिव एन अटेम्प्ट टू मॉक टेस्ट पता तो चले आपको कितना आता है कितना नहीं राइट सो वॉट एल से इज थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टूडे एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक like करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मत भूलना अपने दोस्तों को और बेल आइकन जरूर दबा देना वाई बिकॉज वैन एवर आई कम विद नेक्स्ट वीडियो यू गेट नोटिफाइड फॉर द सेम राइट सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास